हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं स्प्लिट एयर कंडीशनिंग के बारे में। अगर हमारा स्प्लिट एयर कंडीशनिंग अगर नॉट कूलिंग में रहेगा तो हमको क्या क्या चेक करना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सब बातें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा स्प्लिट एयर कंडीशनिंग नॉट कूलिंग में है तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, उसका रिमोट पे मोड चेक करेंगे, सेट टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर वहाँ पे सब कुछ सही है तो उसके बाद हम लोग कमांड चेक करेंगे। अगर इंडोर पे हम लोग कमांड चेक किए, इंडोर पे हमको कमांड नहीं आ रहा था, यानी कि जो हमारे सिस्टम में सेंसर का प्रॉब्लम है, या तो उसका रूम सेंसर प्रॉब्लम हो सकता है या तो कॉइल सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये सेंसर चेंज करके देखना पड़ेगा। अगर कमांड है फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा था, यानी कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो आउटडोर में प्रॉब्लम है, ना कि इंडोर में। तो अभी देखिए हम लोग इसका कमांड चेक किए तो कमांड था, आप लोग देख सकते हैं जो कमांड का एलईडी है वो भी जल रहा है, ग्रीन वाला। इसमें मैं एक बात और बता दूं, जो इसमें बोर्ड है ये चाइना बोर्ड डाले हैं, जिसको यूनिवर्सल बोर्ड भी बोलते हैं और चाइना भी बोर्ड बोलते हैं। तो देखिए हम लोग कमांड चेक किए तो हमारा सिस्टम में कमांड था, तो अभी हम लोग आउटडोर पे आए हैं तो देख सकते हैं आप लोग कि आउटडोर हमारा इसमें ना ही फैन चल रहा है, ना ही कंप्रेसर चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। और हमारा जो गैस प्रेशर भी आप लोग देख सकते होंगे कि गैस प्रेशर हमारा 175 PSI प्लस है, यानी कि हमारे सिस्टम में गैस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा सिस्टम है वो नॉट कूलिंग में। तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे। आपको मैं एक बात बता दूँ, देख सकते होंगे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर कैच है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सिस्टम नॉट कूलिंग है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है पावर पास कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसका मैग्नेटिक तो काम कर रहा है। तो अभी देखिए इसमें चेक करें तो हमको पावर मिल रहा है इसका इन में, इसका आउटपुट में चेक करें तो देखिए हमको इसका जब आउटपुट में चेक करें तो हमको इसमें पावर नहीं मिल रहा है। आप लोग देख सकते होंगे कि हमारे मल्टीमीटर में इसमें पावर नहीं दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ख़राब हो चुका है। अब इसका मैग्नेटिक सिस्टम तो मतलब नहीं काम कर रहा, केवल इलेक्ट्रिक सिस्टम काम कर रहा। मतलब इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर में दो पार्ट होते हैं, एक मैकेनिकल होता है और एक इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल इसका काम कर रहा है, मैग्नेट बना रहा है, लेकिन जो इसका मैकेनिकल है वो काम नहीं कर रहा है। यानी कि हमारे मैकेनिकल में इसमें भी देखिए दो पोल है, तब ये तो हो सकता है या तो एक पोल गया हो या तो दूसरा, दोनों पोल साथ में चला गया होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्रॉस वाइज करके जब चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा पोल में पावर नहीं पास हो रहा है। ओके, तो अभी हम लोग देखिए इसको कॉन्ट्रैक्टर को क्रॉस वाइज भी करके चेक कर लिए तो हमारा इसमें से पावर नहीं पास हो रहा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर को चेंज करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर हमारा क्यों गया है, यानी कि हमारा जो कंप्रेसर है हाई एम्पियर लिया है कभी, इसके वजह से हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर गया है। अब हमारा कंप्रेसर हाई एम्पियर क्यों लिया, उसके भी पीछे रीजन होता है, या तो कभी हमारा जब गैस प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, या तो हमारा कंडेंसर मोटर काम नहीं किया कभी, उस कंडीशन में भी हमारा कंप्रेसर हाई एम्पियर जाएगा, या तो हमारा जो इसका कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी ख़राब हो जाएगा तो भी हमारा कंप्रेसर हाई एम्पियर में जाएगा और हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जल जाएगा। तो अभी हम लोग इसमें देखिए चेंज कर रहे हैं, जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर का वायर जब निकाल लिए उसके बावजूद भी हम इसमें कंटिन्यूटी मार के भी चेक कर रहे हैं। तो अभी देखिए हम इसमें कंटिन्यूटी ले रहे हैं तो हमको जब एक पोल में कंटिन्यूटी बता रहा है केवल और एक पोल में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, यानी कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका एक पोल ख़राब हुआ है और एक पोल सही है। तो इसको हम लोग चलाने के लिए टेम्परेरी चला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसको चेंज कर देंगे तो और भी अच्छा है। तो अभी हम लोग देखिए जो नया कॉन्ट्रैक्टर है उसको लगा लिए हैं, अब इसमें स्टेप बाय स्टेप करके एक एक कनेक्शन कर लेंगे। तो आप लोग को कनेक्शन करना बहुत आसान है, सेम जैसे वायर निकालते हैं, अगर नहीं मालूम है तो उसको टेप लगा लें, फिर बाद में उसके सेम जगह पे लगा दें, अगर मालूम है तो कोई बात नहीं है। तो अभी देखिए जो हमारा इसमें वायरिंग कर लिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर को फर्स्ट हम लोग बदल दिए हैं और वायरिंग किए हैं, अब इसके बाद हम लोग जो सिस्टम को ऑन करके चालू करके देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है अभी नॉर्मली अगर वर्किंग में रहेगा तो ठीक है, नहीं अगर वर्किंग रहेगा तो यानी कि और कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए अभी चालू किया है तो जो हमारा कंप्रेसर है यानी कि 18.19 एम्पियर तक ले रहा है, और जो हमारा गैस प्रेशर है, गैस प्रेशर भी देखिए डाउन नहीं हो रहा, करीब 100 PSI तक सक्शन प्रेशर आ रहा है। यानी कि क्या है कि जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। और कंप्रेसर कब अच्छे तरीके से काम करेगा, जब उसको अच्छे से पावर मिलेगा। यानी कि हो सकता है कि जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी ख़राब हो गया। कैपेसिटर जब इसको हम लोग स्टार्ट किए तो जो हमारा कंप्रेसर है मतलब रुक के स्टार्ट हुआ, तुरंत नहीं स्टार्ट हुआ, यानी कि जो हमारा कैपेसिटर है उसको स्टार्ट करने की और चलाने की जो क्षमता है वो वीक हो गई है। चला तो रहा है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं चला रहा है। तो अभी हम लोग उसके जगह पर नया कैपेसिटर को फिक्स कर लिए हैं, और नया कैपेसिटर भी सेम MFD का हम लोग लगाएँ। इसमें भी 50 MFD का था और 50 MFD का भी हम लोग कैपेसिटर सेम डाल दिए हैं।
अब उसको हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को ऑन करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है किस तरीके से काम करता है, अच्छे तरीके से कि नहीं करता है। तो अभी देखिए हमारा जो सिस्टम है ऑन हो गया, आप लोग देख सकते होंगे कि 12.54 यानी कि 15 एम्पियर तक हमारा मैक्सिमम करंट ले रहा है अभी इस कंडीशन में। यानी कि जो हमारा कैपेसिटर था, कैपेसिटर ख़राब हुआ गया था। अब कैपेसिटर के वजह से जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर जला, कैपेसिटर वीक होने की वजह से हमारा कंप्रेसर एम्पियर पकड़ा और उसके वजह से कैपेसिटर ख़राब हुआ। तो अभी देखिए हम इसमें दो चीज़ सिस्टम चेंज किए, कैपेसिटर भी चेंज किए और कॉन्ट्रैक्टर भी चेंज किए। अभी हमारा जो सिस्टम है अभी नॉर्मली वर्किंग है। सक्शन प्रेशर भी आप लोग देख सकते होंगे कि करीब 75 PSI मिल रहा है, कि थोड़ा गैस ज़्यादा है लेकिन गर्मी के टाइम में हमारा इतना प्रेशर बताता है। कोई भी R22 का अगर सिस्टम है तो इतना प्रेशर आपको सक्शन प्रेशर मिलेगा। ओके, तो अभी आप देखिए हमारा जो सिस्टम है नॉर्मली वर्किंग हो गया। तो अगर आप लोग को इस टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम मिलेगा तो स्टेप बाय स्टेप करके जाएंगे तो उसका रीज़न भी मिलेगा, आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।